हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपोस्ट्रोफी एस एंड पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। सबसे पहले अपोस्ट्रोफी एस के बारे में करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन लिखी हूँ, द गर्ल हैट इज ब्लैक। ठीक है, तो ये सही सा सेंटेंस नहीं है। द गर्ल हैट इज ब्लैक, गर्ल हैट नहीं हो सकती। तो हम इसके बदले दूसरा सेंटेंस बनाकर द गर्ल्स हैट इज ब्लैक लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो हमारे इन केस में काम आता है जिसमें हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, किसी मैन या गर्ल के बारे में भी और किसी और चीज के बारे में भी। और ऐसे मोहन कार इज वेरी ब्यूटीफुल। मोहन कार इज वेरी ब्यूटीफुल, इसके मोहन के बाद हम लिखेंगे मोहन्स कार इज वेरी ब्यूटीफुल। दोस्त देखिए अपोस्ट्रोफी एस में हमारा दूसरा सेंटेंस भी है। जैसे जो हम गलत लिखते हैं वो ऐसा बिजनेस मैन वियर कोट। तो इधर बिजनेस मैन वियर ये सही है ना। तो हम जब कोई लंबा सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमें अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत ही नहीं होती। बिजनेस मैन, अगर हम इसमें गलती से अपोस्ट्रोफी एस लगाते तो बिजनेस मैन्स वियर, तो इसका मतलब बिजनेस बहुत सारे मैन ऐसे हो जाएगा। तो अब हम पॉजिटिव केस ऑफ नाउन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव केस में देख, आई have a urgent work. I have an urgent work. तो अगर हम have को short form में लिखे तो इसका होगा I और इधर H. I have S E नहीं लिखेंगे, सिर्फ एच लिखेंगे। तो I have an urgent work। दूसरा सेंटेंस है हमारा cannot attend school because
because I was sick. देखो इतना लंबा सेंटेंस है, वैसे लेटर में नहीं लिख सकते। मान लो हमारे पास लेटर है छुटकू सा और हम ये प्लीज ग्रांट मी लीव और सब लिखे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई और अपोस्ट्रोफी ऐसे और कैंट ऐसे आई कैंट अटेंड स्कूल because sick. ओके दोस्तों अब इन्हें समझते हैं। apostrophe s इन केस में काम आता है जिनमें जैसे ये वर्ड है the girl's hat is black, ओके I was sick, ये आता है पॉजिटिव केस ऑफ नाउंस में। तो इन्हें हम ऐसे करते हैं, अब हम मैचिंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इधर लिखा है इसमें आई और इधर लिखा है urgent work. Wow. Wow. हम कहीं भी कुछ भी ओके दोस्तों वाओ द गर्ल hat is very nice. अब इधर लिखेंगे I और इधर can't attend I have urgent or I can't attend school or wow में the girl wow the girl's hat is very nice. तो आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।